नमः शिवाय दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको फरवरी महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत जो है, दूसरा प्रदोष कब पड़ेगा। पहला प्रदोष फरवरी महीने में 2 फरवरी को है और जो दूसरा प्रदोष है वो कब पड़ रहा है, किस दिन पड़ रहा है, आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रदोष व्रत की, जो प्रदोष व्रत है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस बार प्रदोष व्रत जो है वो 18 फरवरी 2023 को पड़ेगा। दिन जो है वो शनिवार पड़ेगा और इस दिन मासिक शिवरात्रि जो है वो भी की जाएगी। साथ ही साथ ये व्रत भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। भोलेनाथ का ये व्रत महीने में 2 बार आता है, पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा जो है वो शुक्ल पक्ष में। इस व्रत को दोनों ही पक्षों में रखने के जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक रखने से भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहती है। इस व्रत को त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। साथ ही साथ अगर प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़े तो उसे सोम प्रदोषम कहते हैं, मंगलवार के दिन पड़े तो उसे भूमा प्रदोषम कहा जाता है। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन इसे पड़े तो उसे शनि प्रदोषम कहा जाता है। जैसे कि 18 फरवरी को शनिवार जो है वो पड़ेगा तो इसे शनि प्रदोषम जो है वो बोला जाएगा। यह व्रत सूर्यास्त के समय निर्भर करता है। फरवरी माह में प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष में जो है वो शनिवार को 18 फरवरी 2023 को रखा जाएगा। इसे शनि प्रदोषम जो है वो कहा जाएगा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट पहले से और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होती है। प्रदोष के दिन शिव गायत्री मंत्र जो है वो पढ़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो गायत्री मंत्र है वो भगवान शिव गायत्री मंत्र है वो भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही साथ ये मंत्र जो है सबसे प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप आप सभी को प्रदोष के दिन जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा जो है वो आपको प्राप्त होती है। साथ ही साथ इस दिन शिव स्तुति और शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इस दौरान शिव जी के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। भोलेनाथ अगर आप जाप करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं तो माला जपते समय सभी मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। जब भी आप मंत्र जपें इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका मुख जो है वो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। साथ साथ जाप करते समय शिव जी को बिल पत्र भी अर्पित करना चाहिए, तभी आपको भोलेनाथ की आराधना का संपूर्ण फल जो है वो प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपको प्रदोष व्रत वाले दिन पूजा अर्चना करना है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर देना है और उनकी जो कृपा है, उनका जो आशीर्वाद है प्राप्त कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। ओम नमः शिवाय।